गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सिक्कर। सो क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है 5, पार्ट 5, मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.1। 5.1 में करेंगे क्वेश्चन नंबर वन। Using the expanded notion notion method अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है 205 मल्टीप्लाई 6। अब हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको पता ही है कि हमें इस डिजिट को डिवाइड करना है, तो 200 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। ओके, 0 0, 6 की टेबल आपको 2 टाइम बोलनी है, तो 6 1 6, 6 2 12। ओके, अब 6 की टेबल आपको 5 टाइम बोलनी है, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 30। ओके, अब हमें इनको क्या करना है? प्लस करना है। तो देखिए 0 3 2 1, आपका आंसर आया है 1230। ओके, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वन थाउजेंड 36 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब आपको इस डिजिट को सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 1000 प्लस 30 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। ओके, अब देखिए इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 8 प्लस 30 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। ओके, तो 0 0 0, 8 1 8, 0। 8 की टेबल आपको कितने टाइम बोलनी है? 3 टाइम, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ये हो गए 240। प्लस 8 की टेबल बोलनी है आपको 6 टाइम, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, ये हो गए 48। ओके, अब देखिए सबसे पहले लिखोगे 8000, फिर 240, फिर 48। 8 4 में 4 प्लस किए तो 8, ये 2 और ये 8, 8288 आंसर है इसका, 8288। ओके,
अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एट है 3125 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्यूशन करोगे? एज इट इज ही, जिनसे हम अब तक करते आए हैं। तो देखिए 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब देखिए अब आपको क्या करना है, 3000 मल्टीप्लाई 5 प्लस 100 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 0 0 0, 5 की टेबल 3 टाइम बोलिए। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ये हो गए 15। 0 0, 5 1 5, फिर है 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 की टेबल 5 टाइम। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25, ये हो गए 25। अब इन सबको प्लस करना है, तो सबसे पहले लिखोगे 15,000, फिर लिखोगे 500, फिर लिखोगे 100, फिर लिखना है आपको 25। अब प्लस करना है इसको, तो 5, फिर 2, फिर 6, 5 1, 15,625। क्या आंसर है? 15,625। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 9106 मल्टीप्लाई 7। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता ही है सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 9100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू, 9000 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 100 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, अब 7 की टेबल कितने टाइम बोलनी है, 9 टाइम। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 63। फिर करना है प्लस 0 0, 7 1 7। अब 7 की टेबल कितने टाइम बोलनी है, 6 टाइम। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 42। अब इनको प्लस करना है, तो सबसे पहले ये वाले नंबर लिखने हैं, फिर 700, फिर 42। तो 2 4 7 3 6,
63,742 है आपका आंसर। क्या आंसर है? 63,742। ओके, अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर टेन है 5,124 × 6। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले 5,000 + 100 + 20 + 4 × 6 इज इक्वल टू 5,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 100 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 × 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 0, 0, 0। अब 6 की टेबल आपको 5 टाइम बोलनी है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 13, सॉरी 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। ये लिख दिया 30। अब प्लस 0, 0 and 6 × 6, 0, 6 × 6, 6 × 12, 120। अब 6 की टेबल बोलनी है 4 टाइम, तो 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। अब हमें इनको सबको प्लस करना है, तो सबसे पहले 30,000, फिर 600, फिर 120, फिर 24, तो 4, 4, 7, 0, 30,744 आपका आंसर है। 30,744। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।